एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं, आर्थिक प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा। इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में जैसे हमने पहले प्लान किया हुआ है डेवलपमेंट की दृष्टि से कि ये जो हमारा वास्तव में रेल नेटवर्क जुड़ रहा है जो बड़ी कठिनाई की बात भी लेकिन बड़ी उपलब्धि होगी, खंडवा से सीधा इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से आगरा होकर दिल्ली जाने वाला बहुत लंबा रूट, लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर उसका भी बचता है। ये जो सीधी हमारी जो खंडवा से महू होकर के उज्जैन रेल लाइन आ रही और नागदा होकर के दिल्ली जाएगी तो ये लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर बचाएगी। उसी प्रकार से ये रेल लाइन भी हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली, 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे। ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा हमको सूरत जाना, अहमदाबाद उधर घूमते हुए जाना पड़ता है, अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा। आज का दिन और बीते कल का दिन हम तो ये मान के चलेंगे कि मध्य प्रदेश के लिए एक आजादी के बाद का सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक दिन है जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए ये मान के चले कि हमारा अपना वो आदिवासी अंचल जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी कोई निमाड़ में बड़वानी, धार, मनमाड़ हम केवल सर्वे के लिए पैसे मांगते लेते रहते हर बार सर्वे से, और मैं कई मामलों में पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ये इश्यू को बनाते रहते थे और ये चलाते रहते थे लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र जिनकी अपनी वहां की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल के अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से आजादी के बाद से एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निवाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल धार से लगा होगा। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जुड़ा है, ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने 4 ज्योतिर्लिंग तक जुड़ेगा और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाएगा इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी है वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन को एक झटके से ऐसे कर सकता है क्या, वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।